मतलब ये OMG का टैग ना आप जाके आइकू को दे दो, क्योंकि इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग में फोन भला कैसे लॉन्च हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ आइकू Z3 का। फोन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और इस प्राइसिंग में ये फोन लॉन्च हुआ है जो बहुत ही कमाल का वैल्यू लेके आता है। और मेरे को लगता है ना आइकू वापस से अपने फॉर्म में आ चुका है और मार्केट को डिस्टर्ब करके ही मानेगा। मतलब इतना सस्ता में स्नैपड्रैगन 768G स्टार्टिंग प्राइस है 17,499 में, और इसमें तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सस्ते में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। मतलब ऑफर्स लगाने के बाद सभी ऑफर्स को लगाओगे तो इसका स्टार्टिंग प्राइसिंग 17,499 निकल के आता है, और जो पावर जो स्पेसिफिकेशन ये डिलीवर करता है मार्केट में कोई भी नहीं डिलीवर कर रहा है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, और अगर आप एक ऐसा फ़ोन खोज रहे हो जो 18-19 हज़ार के अंदर में आपको बहुत ही परफेक्ट गेमिंग करवा पाए, डेफिनेटली ये आइकू Z3 आपके लिए सुपर फैंटास्टिक फैंटेबुलस हो सकता है। कैसे वो बात करेंगे, वीडियो मजा आए तो वीडियो को एक लाइक करना। हाँ तो देखो आइकू Z3 आपने इसका स्पेसिफिकेशन बहुत ही जगह सुन और पढ़ लिया होगा। हम लोग सुनने और पढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ और सुन लिया है। हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके लिए आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, और कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन जो इस फ़ोन को इस प्राइसिंग में बहुत ही ज़्यादा खास बना देते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको जो पावर के लिए प्रोसेसर लगाया गया वो इंडिया का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 768 का प्रोसेसर है। बहुत ही कमाल का पावर डिलीवर करने वाला है, और इसका जो स्कोर निकल के आया 4,50,000 से भी ज़्यादा एनटू2 में स्कोर करता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो देखो अगर आप इसे कंपेयर करो ना मीडियाटेक के 800 सीरीज़ के साथ में, मतलब जिस प्राइसिंग में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है उसी प्राइसिंग में आपको 5G के नाम पे मिल रहा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर। और उस प्रोसेसर में अगर आप गेम खेलोगे तो आपको ग्राफिक्स के अंदर वेरी हाई का HD का ऑप्शन नहीं मिलता है। इवन बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी में भी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ग्राफिक सेटिंग्स हैं जो अनलॉक नहीं किए गए, लेकिन स्नैपड्रैगन 768G में आपको बहुत सारे ग्राफिक सेटिंग्स मिल जाते हैं। मतलब वो वेरी हाई तक सपोर्ट करता है कॉल ऑफ ड्यूटी को, और इवन दूसरे गेम्स में भी आपको अच्छा खासा ग्राफिक सेटिंग्स ऑन मिल जाता है। तो हाँ, इसे थोड़ा ज़्यादा बेटर बना देता है डायमेंसिटी 800U के साथ में। तो हाँ, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज़्यादा स्टेबल रहता है, अच्छा खासा आपको पावर डिलीवर कर सकता है। हाँ, तो ये जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ना वो 7 nm पे काम करता है, 2.8 GHz पे क्लॉक्ड है। मतलब इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पर नहीं आते हैं, टेक्निकल वर्डिंग्स में नहीं जाएंगे, बात करते हैं ओवरऑल प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। हाँ, तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा इस प्राइसिंग के अंदर। इसमें आपको 55 W का चार्जर मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आपके बैटरी को चार्ज कर देगा। 4500 mAh का बैटरी है, लेकिन जो 55 W का चार्जर है वो आपके फोन को लाइटनिंग स्पीड से चार्ज कर सकता है। मतलब बैटरी तो अच्छा खासा बड़ा है ही, साथ में आपको चार्जिंग स्पीड भी ज़्यादा मिलता है। और जो चार्जर है वो बॉक्स में दिया गया है, अच्छी बात है, बहुत लोग जो चार्जर बॉक्स में नहीं देते हैं, लेकिन हाँ इसमें मिल रहा है, और वो भी 55 W का मिल रहा है, वो ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, तो बात करते हैं इसके अदर फीचर के ऊपर जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसमें आपको एक IPS डिस्प्ले देखने मिलता है। हाँ, मेरे को पता है कि यूजुअली इस प्राइसिंग में कंपनी सुपर AMOLED प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें आपको एक IPS डिस्प्ले है, और ऊपर से ये आपको पंच होल के साथ में नहीं आता है, ये आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। तो अगर आप डिस्प्ले खोज रहे हो पंच होल वाला, तो ये फ़ोन में तो पंच होल नहीं मिलता है, ये आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको देखने मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो बहुत ही अच्छा हो सकता है, गेमिंग में भी मदद करेगा, और हाँ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऊपर से 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, तो हाँ डिस्प्ले इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ में आता है, वो मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ रीज़न के ऊपर जिसके लिए आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट रीज़न में बताया कि हाँ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 768 मिलता है, जो बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। बात करते हैं फोर्थ रीज़न के ऊपर ना, वो भी गेमिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको 5 layer का लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जो आपके फ़ोन को हीट होने नहीं देगा, या मैं बोलूँ बहुत ही कम होने देगा। तो हाँ, इस लिक्विड कूलिंग सिस्टम के होने की वजह से आपका फ़ोन का टेम्परेचर तुरंत हाई नहीं होगा। आप ज़्यादा देर तक भी गेम खेलोगे ना तो आपका फ़ोन नॉर्मल ही हीट करेगा, इतना ज़्यादा हीट नहीं करेगा, तो आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इसके GPU और CPU के साथ में। तो हाँ, ये भी रीज़न हो सकता है अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए इस प्राइसिंग में, जो मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इस फ़ोन में आप गेमिंग भी तगड़ा कर पाओगे। मतलब BGMI आ रहा है तो गेम खेलना और क्या। हाँ, तो बात करते हैं अपने आखिरी रीज़न के ऊपर, मतलब फिफ्थ रीज़न के ऊपर, जो इस फ़ोन को स्पेशल बना देता है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलता है RAM ROM बहुत ही तगड़ा,
मतलब सबसे पहली बात, इसमें आपको एक्सटेंडेड रैम का फीचर मिलता है। और अगर आपको नहीं पता है एक्सटेंडेड रैम फीचर क्या होता है, तो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कार्ट में, आप चेकआउट कर सकते हो। एक्सटेंडेड रैम में क्या होगा, अगर आप 6GB वाला लोगे तो वो 7GB बन जाएगा, अगर आप 8GB वाला रैम लोगे तो वो 11GB बन जाएगा। तो हाँ, फीचर बहुत ही तगड़ा है। बात करते हैं, इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। 2.2 अच्छा है, इस प्राइसिंग में आपको डिसेंट रीड एंड राइट स्पीड निकाल के दे देगा। हाँ, UFS का है तो आपको अच्छा खासा रीड एंड राइट स्पीड निकाल के दे सकता है। इसमें आपको देखने मिलता है LPDDR4X वाला रैम, ठीक है इस प्राइसिंग के अंदर। हाँ, तो हम लोग 5G बैंड्स को कैसे भूल सकते हैं, ये एक 5G फोन है तो 5G बैंड्स कितने मिलते हैं, तो इसमें आपको टोटल दो 5G बैंड्स मिलता है, N77 N78, मतलब एक से भला दो। हाँ चलो, दो मिल रहा है वो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा होता तो और अच्छा होता है, लेकिन दो मिल रहा है N77 और N78, डिसेंट निकल गया। हाँ, तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, क्या आपको ये फ़ोन लेने चाहिए। तो आई गेस मेरे स्टार्टिंग का 5 पॉइंट्स ही आपके लिए इनफ होगा, इस फ़ोन को लेना है या नहीं लेना है आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे रिजल्ट में, मेरे एनालाइजिंग में ये पता चला है कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस प्राइसिंग में। पर्सनली ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वरना लोग बोलेंगे भाई आईकू ने तेरे को पैसा दिया है अच्छा अच्छा बोलने के लिए। तो देखो, जिस प्राइसिंग में आ रहा है फ़ोन बहुत ही कमाल का है। हाँ, तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, भला आपको 17,499 में ये आईकू का Z3 कैसे मिल सकता है, मतलब कुछ तो लोचा होगा ना। नहीं, लोचा कुछ भी नहीं है, ये ऑफर इसको हम लोग बोलते हैं। तो 6GB की रैम, 128GB का प्राइसिंग है 19,990 रुपये में। लेकिन वेट बताता हूँ, कैसे आप इसे 17,499 में परचेज कर सकते हैं। तो देखो, 1500 का डिस्काउंट है ICICI के कार्ड के ऊपर। तो हाँ, अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 18,499 इसका फ्लैट प्राइसिंग हो जाएगा। और ऊपर से Amazon का भी आपको कूपन मिल रहा है जो सभी के लिए अवेलेबल होगा। अगर आपके पास कार्ड है तभी आप 1500 का ऑफ ले सकते हैं, लेकिन Amazon का जो कूपन है ना, वो 1000 रुपये का इंस्टेंट ऑफ वाला, उस पर जैसे आप टिक करोगे तो वो 1000 रुपये फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। तो 18,499 था, उसमें से 1000 और कम कर लो, 17,499 में ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा इफेक्टिवली। तो हाँ, ये फ़ोन इस प्राइसिंग में आई गेस स्केल कर सकता है, बहुत ही कमाल के पावर के साथ में आता है। तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन, आपके ओपिनियन में ये अच्छा है या खराब है, वो आप कमेंट कर देना। और क्या आप इस फोन को ले रहे हो, वो भी कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो मजा आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बटन से बजा देना। और ऐसे कमाल के वीडियो हम लोग रोजाना लाएंगे यार। और क्या पोको M3 Pro पे वीडियो देखना है, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मतलब मेरे को तो इंटरेस्टिंग इतना नहीं लगा, मैं सोच रहा था प्राइसिंग और उसका कम हो सकता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप डिमांड करो तो जरूर उस पर वीडियो बन जाएगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, तो कमेंट करो यार। और क्या, तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते मिलते करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाय। और हाँ, ये फोन कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है, मतलब लास्ट वाली वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था, तो हाँ कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है।